भगवान के घर में रूम में बंद कर दे। क्यों मना लो? अरे एगो मुखिया बार मुबारकपुर के मुखिया एगो यादव जी हम अनुभव तो उनके गए खेत पटाबे खातिर तो उनका फार्म बा मुर्गा फार्म तो खेत पाटे में दो तीन घंटा टाइम रहे तो हम तो सोचने से मुर्गा उर्गा बन जाए तो गए सन फार्म में मुर्गा ले आवे खातिर घुसल कहीं सन मुखिया जी तले निकल के कहत रहे केकरा से पूछ के घुसला हुआ हम कहीं पूरा बगीचा बगीचा में आदमी केहू से पूछ के घुस के चिलात घुसते बानी सन ओतने में धूल साफ करके रूम में बंद टूटल दूल वही हाथ धो के मगले बल पैर उंगली सब टूटले बात सूचना आया है कि मुखिया प्रतिनिधि पर फायरिंग करने गए थे कोई अच्छा मान लीजिए जो लड़का पढ़ने वाला है दो साल बाद दो महीने में बाहर से आया है पढ़ते हैं हरिद्वार में रह के तो हमको किसी से क्या मतलब है या यहाँ पे जितने भी हैं हम मतलब हम लोग को मार कर रहे हैं किसी का इस सब का कोई मतलब नहीं है ये सब का चलता है मुखिया जी का झगड़ा चलता है मतलब दूसरे किसी से झगड़ा चलता है राजपूत कास्ट में तो होता है ना कि राजपूत अगर उधर दिखाई दे दिया तो मुखिया जी खाएंगे तो वही हम लोग राजपूत थे लोग गए थे लोग खेत पटाने के लिए वही गलती हो गया। विक्की के साथ क्या घटना हुई है? मैं विक्की बने ये लोग तीन गो लड़का खेत पटाने के गया था खेत में बड़की बारी खेत में ही लोग गेहूँ पटाने के लिए गया था वहीं पर ये सब इसके यहाँ मतलब कि ये लोग देखा कि लोग खेत पटा रहा है तो आया आया सब और मतलब उसके यहाँ ये सब गया था मुर्गा लाने के लिए तो उसी जगह ये सब पकड़ लिया खेत पटाने के बाद लोग बोला कि भाई चलो मुर्गा लेकर चलेंगे तो मैंने घर पर बनेगा तो वो सब गया था तो वहाँ कोई था नहीं तो ये सब बोला कि मतलब के बात के बात पहले मुखिया निकला वो इस सबको तीनों को पकड़ लिया दो तीन और आदमी को बुला कर और बोला कि सलाह कि हम लोगों को मारने आया आज बांगर का कोई जादू है थोड़ा हम घबराए हुए हैं कौन जादू है उसी के मशीन से ही लोग खेत पटा रहा था जो अमितेश कुमार सिंह है वो माझी हॉस्पिटल में मर गया और वहाँ जो है क्या उसका नाम है बांगर का है उसी के मशीन से सब खेत पटाने के लिए गया आई किसके साथ विवाद हुआ ये विजय मुखिया विजय उसकी उसकी भौजाई कोई मुखिया है विजय जादू है अजय जादू है आपको अनुभव है विकी के हम तो चाचा है विकी के हाँ नाम आपका मेरा नीरज कुमार सिंह नाम घर घर मुबारक थाना है थाना माजी थाना माजी है ओ तो ये भी घटना माजी मुबारक के पूर्व हुई है वो बगीचा में हुआ है उसके मुर्गी के फर पर हुआ है ओ, पहले से कोई विवाद था हाँ पहले से ही सब लड़का सब से आपस में कुछ विवाद था आज जैसे सूचना आई है पहली बार कि ये लोग मुखिया पति मुखिया जो प्रतिनिधि है उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं ना ना फायरिंग तो हथियार उथियार कोई वहाँ पकड़ेगा तो होना चाहिए ना ये सब खेत बटाने के लिए गया था वो जो जादव जी है कोई जिसका मैरी है ट्यूबवेल है उसे उसे पूछा जाएगा कि भाई लोग खेत पटा रहा था कि नहीं वो ट्यूबवेल वाला वहीं पे था हाँ वहीं का ट्यूबवेल वाला है वो जादव जी है थोड़ा नाम हमको थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है अच्छा उसका एक लड़के को गोली भी लगी है वही मारा है विजय जादव मारा है गोली सवाल है कि ये सब सबका सोची समझी सब साजिश था कि लोग कहीं भेटाएगा हम लोग मारेंगे क्योंकि बीच में किसी से झंझट वगैरह हुआ था और वहाँ जो है विक्की जादव जो है कोरर का उसका उसका बाप का नाम है उमेश जादव दोनों भाई आकर उसको मारा है इसी सब को मारा है वहाँ से मुखिया बुलाया और पूरा जादव लोगों को बुलाया है ये गेंगवार टाइप को वहाँ सलाह कर दिया है जादू सब।